हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज का हमारा टॉपिक है इनफाइनाइट रिपीटेशन। रिपीटेशन, ठीक है ना? रिपीटेशन, ठीक है। इनफाइनाइट रिपीटेशन, इसका सबसे, जैसे मैंने एक बार यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी डाला था, देखो इस चीज का। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है, एक्स इक्वल टू ये टू रूट टू रूट, नहीं प्लस नहीं, यहाँ पर रूट टू डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है ना? अगर इस तरीके से दिया हो तो क्या करेंगे? तो इसमें एक चीज देखो, एक्स इक्वल टू अंडर रूट, तो एज इट इज टू। अगर इस पूरे वाले को मैं एक्स मान लूं, तो अभी एक बच्चा बोलेगा, साहब एक्स आप ऐसे कैसे मान सकते हो, एक्स तो ये है। तो देखो, गौर करो, इनफाइनाइट है ये। इनफाइनाइट का एक्चुअल मीनिंग ये है कि इसकी काउंटिंग हमें नहीं पता ये कितना है। तो उनमें से हम, और जब कम उसमें से होता है हमेशा जो नॉन क्वांटिटीज होती है, ये इनफाइनाइट है ना? तो इसलिए इस में इसके किसी भी हिस्से को हम मिलाकर जो है इनफाइनाइट सहित क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, है ना? तो ये एक्स हो गया, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो एक तो एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, एक एक्स इक्वल टू टू हो गया। अब एक्स है, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जो है जब रूट वाले नंबर और जब स्क्वायर हम करते हैं तो वहां पर कई बार अनवांटेड रूट्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना? एक्स्ट्रा जिनको कहते हैं, तो वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखो, एक्स इक्वल टू जीरो, ये यहाँ जीरो, जीरो का जीरो थोड़ी ना होगा, इन सब के रूट का ये मल्टीप्लाई, ठीक है? तो ये एक्स इक्वल टू जीरो तो क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड हो जाएगा, है ना? और ये जो है ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसका रूल देख लो एक बार। रूल क्या है इसका, कि जहां से पहला रिपीटेशन स्टार्ट हो उसकी वैल्यू री सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। ये सिंपल सा गणित है इसका, कि जहां से पहला रिपीटेशन स्टार्ट हो उसकी वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर दो। अब देखो, एग्जाम्पल लेता हूँ एक और, देखो ध्यान से क्या है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है अल्फा इक्वल टू 1/3√2। अच्छा साहब, अंडर रूट में 4 − 1/3√2, फिर से अंडर रूट 4 − 1/3√2, फिर से अंडर रूट 4 − 1/3√2 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। अच्छा, अब इसमें एक चीज गौर करो, जहां से पहला रिपीटेशन स्टार्ट हो तो क्या आप इस पूरे रूट को अल्फा मानोगे? नहीं, रिपीट कहाँ से हो रहा है? ये तो जो नई नई क्वांटिटीज है, ये यहाँ 4 तक नई क्वांटिटी है, माइनस तक नई एक नई क्वांटिटी है, और यहाँ से ये जो ये वाली जो जगह है, यहाँ से ये चीजें रिपीट हो रही है, राइट? तो इसको कुछ मान लें हम, क्या मान लें? देखो, मानेंगे तो कुछ तो क्या ही मानेंगे, जो अल्फा है वही मानेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 1/3√2 रूट में 4 − और ये क्या हो जाएगा, अल्फा, है ना? अच्छा देखो, अब इसमें आगे क्या करना है, देखो ध्यान से। 3√2 को उधर भेजाओ, तो 3√2 अल्फा इक्वल टू रूट में 4 − अल्फा, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 3√2 का स्क्वायर 18 α² इक्वल टू 4 − अल्फा, जगह 18 α² प्लस α − 4, ठीक है, इक्वल टू जीरो। देखो, 18 × 4 = 72 होता है, तो 9 और 8 इसके फैक्टर हो जाएंगे। 18 α² प्लस 9 α − 8 α
माइनस फोर इक्वल टू जीरो, नाइन अल्फा कॉमन ब्रैकेट में टू अल्फा प्लस वन, माइनस का फोर कॉमन ब्रैकेट में टू अल्फा प्लस वन, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू एक तो माइनस हाफ आ गई और एक अल्फा की वैल्यू जो है वो फोर बाय नाइन आ गई। अब आप अच्छे से जानते हो कि अल्फा की वैल्यू यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव, रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है, दैट्स व्हाई दिस क्वांटिटी विल बी रिजेक्टेड एंड दिस क्वांटिटी विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है ना। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना, क्लियर। अब तो 4 बाय 9 क्या हो जाएगी आपकी, एक्सेप्टेड हो जाएगी। इस पर बेस्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। देखो क्या है, आईआईटी जेई में 2012 में आया था, अच्छा खासा समय हो गया इस चीज को आए हुए, लेकिन पता नहीं है ना क्या पूछ ले उसने। इनफाइनाइट रिपीटेशन भी हमारे इसमें एक टॉपिक है, ठीक है ना। तो द वैल्यू ऑफ 6 प्लस लॉग 3 बाय 2 वन अपॉन थ्री रूट टू ब्रैक अंडर रूट में फोर माइनस वन अपॉन थ्री रूट टू रूट में फोर माइनस वन अपॉन थ्री रूट टू डॉट 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 इज, ठीक है ना। देखो अभी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा हमारा सिक्स प्लस, अब देखिए ये तो हो गया ओनली लॉग बेस में हो गया थ्री बाई टू। अब इस ब्रैकेट की वैल्यू है ना वो हम अभी अभी यहाँ पर निकाल कर आए हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने निकाली थी। देखो वन अपॉन थ्री रूट टू ब्रैकेट मतलब रूट फोर माइनस वन अपॉन थ्री रूट टू रूट फोर माइनस वन अपॉन थ्री रूट टू डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने ये फोर बाय नाइन को एक्सेप्ट किया था, राइट। तो यहाँ पर हम इसकी इसको फोर बाय नाइन लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे फोर बाय नाइन, ठीक है। अच्छा ये कितना हो गया सिक्स प्लस लॉग थ्री बाय टू और इसे क्या लिख दें हम टू बाय थ्री की पावर टू, सही है। इसे क्या लिख देंगे सिक्स प्लस लॉग थ्री बाय टू बेस में और इसे हम लिख दें टू बाय थ्री नहीं, इसे हम लिख देते हैं थ्री बाय टू की पावर माइनस टू, सही है। अच्छा उसके बाद देखो इसे हम लिखेंगे सिक्स, इस माइनस टू को इधर ले आओ तो हो गया माइनस टू और ये हो गया हमारा लॉग, ये हो गया बेस में थ्री बाय टू और ये हो गया थ्री बाय टू। लॉग ए विद बेस ए ये क्या होता है वन, तो सिक्स माइनस टू दैट इज फोर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं देखो लॉगरिदम इक्वेशंस, ठीक है, लॉगरिदम इक्वेशंस। लॉगरिदमिक इक्वेशंस, ठीक है, इसमें देखो क्या करना है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आपको ध्यान रखनी है। देखो हमेशा अपने दी गई जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना, यानी जो भी गिवन इक्वेशन है उससे है ना जो भी आपने आंसर आपको फाइंड हुआ है उसको रीसब्स्टिट्यूशन के द्वारा चेक करना है हमें, यानी जो भी हमें आंसर मिलेगा हम उस आंसर को फाइनल नहीं कर देंगे, हमें उसे दी गई इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि लॉग पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता है, लॉग पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। अच्छा एक सबसे गोल्डन स्टेटमेंट, सबसे जरूरी चीज क्या कि लॉग अगर अगर पावर में हो तो टेक लॉग बोथ साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टेक लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो भी टर्म रिपीट हो अज्यूम इट टी, इसको क्या मान लेना है, टी मान लेना जो भी टर्म रिपीट हो, ठीक है।
एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान लो आपको दे रखा है 3 पावर x इक्वल टू 2 पावर x। अब देखो इसने अज्यूम इट मतलब टेक लॉग बोथ साइड का है, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि बेस किसको लेना है ना। तो उस चीज का आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। देखो आप ये तो कर लोगे कि टेक लॉग बोथ साइड, तो लॉग तो ले लोगे आप, ये लो लॉग ले लिया 3 पावर x इक्वल टू लॉग ले लिया 2 पावर x। अब बिना बेस के तो लॉग भी कोई मतलब का नहीं है। तो क्वेश्चन आया कि साहब बेस किसे लें, तो देखो मैं आपको बता दूं, बेस यहाँ पर 3 और 2 में से किसी को भी बेस ले सकते हो आप, क्योंकि जिसे भी बेस लोगे वो वाली क्वांटिटी 1 हो जाएगी। देखना मतलब जिसका भी बेस लोगे, जैसे मान लो मैं 3 है, तो जो बेस यहाँ लोगे वही बेस हमें यहाँ लेना पड़ेगा। अब रूल क्या कहता है, एक्स को इधर ले आओ, तो एक्स लॉग 3 विद बेस 3 इक्वल टू लॉग, या फिर एक्स लॉग 2 विद बेस 3 है ना। अच्छा ये हो गया एक्स, इस क्वांटिटी की वैल्यू हो गई 1 है ना, और इसको इधर ले आओ लग गया एक्स, ये हो जाएगा लॉग 2 विद बेस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो एक्स कॉमन, ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग 2 विद बेस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक चीज गौर करो, देखो 1 माइनस लॉग 2 विद बेस 3 को अगर मैं 0 कर दूं तो लॉग 2 विद बेस 3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, 0, और ये क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 0 है ना, इसलिए सो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा इस तरीके से हो गई है, क्लियर। जो मैंने आपको बताया कि लॉ, ये जो पॉइंट मैंने लिखा नहीं है, मैंने आपको बोला था ना, ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला था कि हमेशा अपने सॉल्यूशन को रीसब्स्टिट्यूशन के द्वारा चेक करना है कि जो, और उसको कहाँ करोगे रीसब्स्टिट्यूशन, जो भी ओरिजिनल गिवन इक्वेशन है आपको, है ना, क्योंकि लॉग पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता। इस बात को भी मैं आपको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। देखो ध्यान से क्या है कि लॉग 2 माइनस एक्स विद बेस 2 इक्वल टू 3 दे रखा है मान लो आपको, तो इसे क्या लिखोगे, इसे ये तो आपको पता ही है लॉग ए विद बेस बी इक्वल टू सी दिया होता है, तो ए इक्वल टू बी पावर सी हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2 पावर 3। 2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। एक्स को उधर भेज दो तो एक्स की वैल्यू हो गई माइनस का 6। अब जरा इस -6 को यहाँ रख के देखो, आंसर को चेक करना जरूरी है, लॉग नहीं होता नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड है ना, ये बात याद रखना। अब देखो -6 को रखो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव में आंसर नहीं आता, लेकिन जो लिखा हुआ है उस बात का मतलब देखो एक बार पहले। इस एक्स की जगह इस -6 को रखा तो 2 प्लस 6 कितना हो गया, 8 इक्वल टू 3। इसका मतलब ये तो जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर इस तरीके से। और इसके मुकाबले तो और कोई ऐसा टर्म है नहीं, तो ये मेरे यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने वैल्यू, कहीं आप ये सोच लो कि देखो नेगेटिव नंबर है और ये तो नॉट डिफाइन है, और यहाँ नॉट डिफाइन लिख दो या नॉट पॉसिबल लिख दो, ऐसा नहीं है। जो भी नंबर आता है उसे पहले आप गिवन ओरिजिनल इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा और एक चीज देखो, जो मैं पहले एक बार हालांकि अप्लाई कर चुका, फिर भी आप देखो नोट की फॉर्म में है वो, क्या कि अगर लॉग एम विद बेस ए इक्वल टू लॉग एन विद बेस ए दिया हुआ है, ठीक है, तो लॉग एम विद बेस ए माइनस लॉग एन विद बेस ए इज इक्वल टू 0, लॉग एम अपॉन एन विद बेस ए इज इक्वल टू 0, ये होता है तो लॉग ए विद बेस बी इक्वल टू सी होता है, तो क्या होता है, बी इज इक्वल टू ए पावर सी, यानी एम अपॉन एन इक्वल टू ए पावर 0, दैट इज एम अपॉन एन इक्वल टू क्या हो गया, 1। दिस इंप्लाइज दैट एम इक्वल टू एन, यानी जब कभी भी इस तरीके से लिखा हुआ हो तो आप यहां पर अपने मन में
इस लॉग से इस लॉग को काट सकते हैं अगर बेस सेम हो तो, और डायरेक्ट लिख सकते हैं आप एम इक्वल्स टू एन, एम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं एन, ठीक है ना। और एक छोटा सा नोट देखो क्या है कि अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से लिखा हुआ है कोई भी इक्वेशन है, लेट इस तरीके से लिखा हुआ है मान लो सी डी, तो इसमें दो तरीके से लोग लॉग लगाते हैं, आपको एक बार ये सोचना है कि सही कौन सा है। देखो एक व्यक्ति तो ये बोलता है कि लॉग ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू लॉग ऑफ सी डॉट डी, और एक व्यक्ति ऐसे बोलता है कि लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग सी डॉट लॉग डी। आपको ये सोचना है कि दोनों में से सही कौन है, डी ए ही है ना। सही लिख देता हूँ, लॉग सी डॉट लॉग डी। तो मैं आपको बता दूं, देखो लॉग कोई प्रसाद नहीं है जो उसको अपन बांट दे ना सब में, ये तो ये वाला जो कोई भी व्यक्ति है जो ये है ना वो गलत है। ये होगा कि पूरे पे होल पे एक ही लॉग लगेगा, ठीक है, तो बेस सेम होना चाहिए है ना, ये चीज विशेष ध्यान रखना। एक तो ये, और लॉग किस तरीके से बढ़ता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।